मेरा नाम मीना धनराज है, मैं 13 साल की हूँ और मैं इंडिया के छोटे छोटे गांव से, मैं भी उसी छोटे गांव में रहती हूँ। एक दिन मुझे पता चला कि हमारे गांव में वाचा क्लास करके एक क्लास चलता है, वो क्लास लड़कियों का ही एक ग्रुप था। मैं वहाँ आके मुझे पता चला कि स्कूल के दोस्त ही हमारे दोस्त नहीं होते और हम बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं। और मैं ये क्लास करके मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, कोई हिंदू थे तो कोई मुस्लिम, और बहुत सारे अलग अलग भाषा से अलग अलग जगह से थे। तो अच्छा क्लास के हर एक हमारे दोस्त से हम अपनी मन की बात बता देते। ऐसे ही बात करते समय हमें ये पता चला कि हमारे गाँव में एक बहुत बड़ी समस्या है लड़कियों को शिक्षा का लेकर। हमारे बस्ती में लड़कियों को शिक्षा ठीक तरह से नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है तो स्कूल में सुविधा नहीं रहती है और घर में बहुत सारे काम रहते हैं। हमारा तो लीडरशिप का ग्रुप था, हमें इस समस्या को लेकर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, ये सबने सोच लिया था। उसके बाद हम हमारे गांव में सब गांव घूम के हमने एक सर्वे किया। उसके बाद हमने नाटक भी किए, यहाँ के हमारे गांव के 4-5 स्कूल में वो नाटक हमने पेश किया और हमें ग्राम सभा में हमारा नाटक पेश करने का भी मौका मिला। ग्राम सभा में हमारा नाटक होने के बाद हमें हमारे गांव में बहुत लोग पहचानना शुरू कर दिए थे। हमारा तो सिर्फ लड़कियों का ही ग्रुप था, लेकिन हमारा यह काम देखकर कुछ हमारे गांव के लड़के भी हमारा बढ़ावा देने आ गए। हमारा लड़कियों का ग्रुप सिर्फ लड़कियों का ही नहीं रहा, लड़के भी उसमें आ गए और हमारे हर एक काम में हमारा बढ़ावा देने लगे। लड़कों की वजह से हमारा काम और भी तेज़ी से होने लगा। हम लड़के और लड़की के बीच भेदभाव नहीं देते थे, सब साथ में ही रहते थे। हम ये भी चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लड़के और लड़की का भेदभाव मिट जाए और सब साथ में ही रहें।